हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। जैसा कि प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को मिलने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमको ये ध्यान देना है कि इस चैप्टर में से कौन कौन सी चीजें हटा दी गई है। हाँ भाई, ये बात तो पता होना बहुत जरूरी है कि क्या क्या हमको सर नहीं पढ़ना है ना। जो पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज, जो कार्बन रेजिस्टर्स हैं उसको नहीं पढ़ना है। कलर कोड फॉर द कार्बन रेजिस्टर्स, ये एक सीक्वेंस होता था बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐसे करके, वो बिल्कुल भी लर्न नहीं करना पड़ेगा आपको। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, ये भी जो डायरेक्ट डेरिवेशन वगैरह है ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सभी लोग ध्यान से देखें। इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स 6.25 × 10⁻¹⁵ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, द करेंट इज, करंट की वैल्यू निकालनी है। आप सभी को पता होगा कि करंट जो होता है दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और 1/टाइम को प्यारे बच्चों हम लोग फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से लगा सकते हैं, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, कितने गिवन है हमको 6.25 × 10⁻¹⁵। इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे वी विल गेट आर वैल्यू। तो ये देखिए, मैंने इसको सॉल्व किया, जैसे ही हम लोगों ने सॉल्व किया हमको पता चला 10⁻³ एम्पियर आ रहा है। 10⁻³ एम्पियर का ही मतलब होता है प्यारे बच्चों 1 mA। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी पार्ट, सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया बेसिक क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मटेरियल यूज्ड फॉर हीटिंग कॉइल्स इज, तो प्यारे बच्चों आप सबने देखा होगा जो हीटर्स होते हैं उन हीटर्स में इस तरीके का कुछ स्प्रिंग टाइप के कुछ मटेरियल लगाया जाता है। ये मटेरियल क्या करता है, इस मटेरियल में आप जैसे ही करंट फ्लो कराते हो, जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराते हो, करंट बार 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 यहीं पर घूमता रहता है, और घूमने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, ओवरऑल ढेर सारा हीट लॉस होता है, और इसी हीट लॉस की वजह से ये जो स्प्रिंग है ये रेड हॉट हो जाता है। तो यहां पर यही पूछा गया कि ये जो स्प्रिंग है वो नाइक्रोम का होगा, कॉपर का होगा, सिल्वर का होगा या मैंगनीन का होगा। तो प्यारे बच्चों ये नाइक्रोम का होता है। क्यों नाइक्रोम का होता है, इसके पीछे दो मेन कारण है। सबसे पहला, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऐसा ही मटेरियल लिया जाता है जिसमें भाई साहब अगर टेम्परेचर को ढेर सारा खूब बढ़ा दिया जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो 500 डिग्री सेल्सियस हुआ और मटेरियल ही मेल्ट कर जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए हमारा डिवाइस जो है वो फेल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरी रिक्वायरमेंट प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका हाई रेजिस्टिविटी, इसका रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस जो है वो भी काफी ज्यादा होना चाहिए, जो कि नाइक्रोम का होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है हमारा ए पार्ट, है ना, नाइक्रोम। आइए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंसेस 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन हो प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसा सर्किट डायग्राम बना लिया करिए, उससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। तो ये रहा आपका 10 ओम और ये रहा आपका 15 ओम। अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन देयर एंड्स। तो यहां पर हमने क्या किया, एक सेल को कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल हमको गिवन है 1.5 वोल्ट। तो ये सेल क्या करेगा प्यारे बच्चों, करंट देगा, और वही करंट इन दोनों में होता हुआ जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस इज 60 mA। तो आइए देखते हैं 60 mA से आखिर कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, मतलब हमें इससे फ्लो होने वाला करंट निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। 10 और 15 प्यारे बच्चों कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 10 प्लस 15 25 हो जाएगा। सो दिस इज 15 डिवाइडेड बाई 250, अगर इसको मैं 5 से कैंसिल करूंगा तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 50, तो 3 डिवाइडेड बाई 50 ये है आपका एम्पियर में।
लेकिन ऑप्शन में आपको बोला गया 60 मिली एम्पियर। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 50 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, सॉरी, यानी कि 3 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होकर के आ जाएगा 0.06 एम्पियर। तो 0.06 एम्पियर को अगर हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 60 मिली एम्पियर ही आएगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए पार्ट। नेक्स्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस इज 0.9 वोल्ट, यानी कि 10 ओम के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप इसके अक्रॉस निकालते हो तो फॉर्मूला तो वही है, ओम्स लॉ, बी इज इक्वल टू आई आर। करंट की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हम लोगों ने निकाल ली है, दैट इज 3/50 मल्टीप्लाइड बाई, ये करंट है, मल्टीप्लाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये 0 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 3/5 वोल्ट, मतलब 0.6 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे 0.9 वोल्ट गिवन है तो ये तो गलत हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम, आइए 15 ओम के अक्रॉस निकालते हैं। इसके अक्रॉस अगर हमें निकालना है तो बिल्कुल सेम तरीके से करंट की वैल्यू है 3/50 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू है 15, तो आप लोग देख सकते हैं 3/10, तो ये आपका बन जाएगा 9/10 यानी कि 0.9 वोल्ट। तो ये भी मुझे ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। डी है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज 6 ओम, तो रिजल्टेंट तो 25 होगा क्योंकि दोनों ही किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है, ए एंड सी आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, यही वाला आपका करेक्ट है, ए एंड डी ट्रू, ऐसा नहीं है क्योंकि डी गलत है, बी एंड डी भी नहीं हो सकता और बी एंड सी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ए एंड सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो बहुत सावधानी से करिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से धीरे धीरे करिए, लेकिन गलत मत करिए बिल्कुल भी, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस अ डिवाइस विद रेजिस्टेंस आर कॉजिंग अ करंट आई थ्रू द डिवाइस, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग वेरिएशंस विल बी। हमको ये देखना है कि अगर हम किसी डिवाइस में जिसका रेजिस्टेंस आर के इक्वल है, अगर इसमें हम आई करंट फ्लो कराते हैं तो कितना हीट डेवलप होता है। तो प्यारे बच्चों हीट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो हम लोग को यही चीज देखना है, अगर हम वी को डबल कर दें विद आर अनचेंज्ड तब क्या होगा। तो आइए देखते हैं, V से रिलेटेड अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो इट इज V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, और करंट के साथ फॉर्मूला देखोगे तो V इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला है। हमसे क्या कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस को अनचेंज रखा लेकिन V को डबल कर दिया। अगर आप V को डबल करोगे तो आप चेक करो, हीट जो है इनिशियली हमारे पास थी V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, लेकिन बाद में कितना हो गया, पोटेंशियल को आपने डबल कर दिया तो 2V का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो 4V स्क्वायर अपॉन R, रेजिस्टेंस तो हमारा सेम ही रहा। इसका मतलब ये जो हीट है ये हीट ओरिजिनल हीट का 4 गुना हो गया, इट इज 4 टाइम्स। तो यहां पर याद के लिए मैं सिर्फ 4 लिख ले रहा हूं, मतलब ये 4 टाइम्स हो गया। I इज डबल्ड विद R अनचेंज्ड, तो आइए देखते हैं इस बार इस वाले फॉर्मूले को यूज करा रहे हैं, है ना, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहां पर लिखते हैं, देखिए ओरिजिनल फार्मूला ये हमारे पास, अब हमसे ये कहा गया इस बार करंट को डबल किया गया, रेजिस्टेंस सेम है, करंट को अगर आप डबल करोगे तो अगेन ये बन जाएगा 4i स्क्वायर r इनटू t, इसका मतलब ये भी जो हीट है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। R इज डबल्ड विद V अनचेंज्ड, इस बार क्या है V को चेंज नहीं किया लेकिन रेजिस्टेंस को डबल कर दिया। तो आइए देखते हैं, ओरिजिनल फार्मूला हमारे पास है H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इनटू T, लेकिन इस बार हमसे क्वेश्चन में क्या बोला कि हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही आप इसको डबल करोगे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो दिस विल बी एच बाई टू, इसका मतलब ये 1/2 टाइम्स हो गया हमारा। फिर R इज डबल्ड विद I अनचेंज्ड, R यानी कि रेजिस्टेंस को डबल किया लेकिन करंट में कोई चेंज नहीं किया। तो आइए देखते हैं, ओरिजिनल तो फॉर्मूला ये है लेकिन इस बार क्या किया, रेजिस्टेंस को डबल किया लेकिन करंट में कोई चेंज नहीं किया, तो करंट यही रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2R हो जाएगी टाइम्स T। तो आप देख सकते हो कि ये जो हीट है दिस इज
डबल ऑफ द ओरिजिनल। अब आइए देखते हैं यहां पर हमें क्या पूछा गया है। हमसे कहा गया है हीट एनर्जी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग देख सकते हैं यहां पर सबसे ज्यादा है हमारे पास ए और बी में, देन डी में, देन सी में। तो देखिए यहां पर असेंडिंग ऑर्डर क्या है, ए बी डी सी। तो ए बी डी सी, ये देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर है, ए बी डी सी, है ना। तो ये हमारा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो गया। हालांकि ये भी एक ऑप्शन है जिसमें क्योंकि ए और बी में दोनों वैल्यू सेम है तो यहां डिसेंडिंग नहीं है, ये भी हो सकता था। बट सी और डी में तो मामला क्लियर है कि सर इसका ज्यादा है और इसका कम है। तो कहने का मतलब ए बी डी सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए सेकंड जो है हमारा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आप सभी लोग सारे फॉर्मूले को बहुत ध्यान से अप्लाई करिएगा, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस आर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी वी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप लोग देखिए ये जैसे कि एक कोई सेल है, ये कोई सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ई है, इसका ईएमएफ जो है वो ई के बराबर है, और ये इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया। प्यारे बच्चों अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर ध्यान से देखें, इस पूरे को हम लोग सेल कहते हैं। ये सेल में से आई करंट निकलेगा और वो आई करंट दोनों में होता हुआ जाएगा इस तरीके से। तो अगर आप आई करंट की वैल्यू निकालते हो, आप इस करंट की अगर वैल्यू निकालते हो तो वो वैल्यू आने वाली है ई अपॉन आर प्लस आर, यानी कि टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो वो टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर होगा क्योंकि ये वाला आर और ये वाला आर किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। करंट की वैल्यू मिल गई लेकिन हमसे बोला गया इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो प्यारे बच्चों अगर कोई सेल करंट दे रहा है तो आप सबने पढ़ रखा है वहां पर फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यही फार्मूला हम लोग सिंपली अप्लाई कर देंगे। हम लोग बोलेंगे वी इज इक्वल टू ई माइनस करंट की वैल्यू हमारे पास है ई अपॉन आर प्लस आर टाइम्स स्मॉल आर। तो आप सब लोग देखिए V times capital R plus small r is equal to E times capital R plus small r minus E times small r। यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके साथ ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल। निकालना है हमको स्मॉल r की वैल्यू। तो आइए देखते हैं वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यहां पर। तो ये बन जाएगा वी आर प्लस वी स्मॉल r इज इक्वल टू ई कैपिटल R। तो हम लोग लिखेंगे v small r is equal to e capital r minus v capital r। इसको मैं इधर भेज दूंगा, जैसे ही भेजूंगा small r की देखिए एक वैल्यू हमारे पास आ गई e minus v times capital r divided by v। तो आइए देखते हैं यहां पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा हो। तो ये मुझे तो एग्जैक्ट आंसर ये वाला दिखाई पड़ रहा है e minus v upon v times r। ये देखिए इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की करेक्ट वैल्यू कौन सा है, सी ऑप्शन है। सो दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आइए देखिए ये मैंने पूरा आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, एक एक स्टेप बाय स्टेप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट सेल इज। ये देखिए ये सेल है प्यारे बच्चों, इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो एक बात ध्यान से समझना, ये जो आपको 6 वोल्ट गिवन है ये इस सेल का ईएमएफ है, और ये जो 2 ओम बगल में लिखा है ना ये इसका प्यारे बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस है। सिमिलरली यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। हालांकि ये रेजिस्टेंस का साइन नहीं बनाया गया आपको क्वेश्चन में, बना के नहीं दिया गया, लेकिन प्यारे बच्चों अगर लिखा हुआ है 2 ओम 3 ओम तो ये अंडरस्टूड है कि ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब आपसे कहा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है, वो भी इस वाले सेल के अक्रॉस। प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो यहां पर ये 12 वोल्ट का सेल है, ये 6 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट वाला सेल करंट देगा क्योंकि पावरफुल बैटरी है। ये बैटरी करंट देगी इसका मतलब ये वाली बैटरी डिस्चार्ज हो रही है प्यारे बच्चों, लेकिन ये वाली जो बैटरी है वो करंट को एक्सेप्ट करेगी, है ना।
ये क्या करेगा, ये करंट को एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसका क्या हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, इस वाले सेल की चार्जिंग हो रही है प्यारे बच्चों। और मैं आपको बताऊं, अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है तो V इज इक्वल टू E माइनस IR यूज करते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सेल हमारा चार्ज हो रहा है तो V इज इक्वल टू E प्लस IR हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस वाले सेल का EMF कितना है, 6 प्लस करंट हमको निकालना है। करंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट अगर हमें चाहिए तो भाई टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज कितना है 12 माइनस 6 है ना। ये वाला देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये वाला डिस्चार्ज हो रहा है ये वाला चार्ज हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, दोनों जो सेल्स हैं अपोज करेंगे। कहने का मतलब ये भी करंट देने की कोशिश करेगा और ये भी करंट देने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पावरफुल है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का जो वोल्टेज है प्यारे बच्चों वो घट जाएगा। तो नेट वोल्टेज हो गया 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस कितना है 2 + 3 दैट इज 5। तो ये आ गई हमारे पास करंट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास इस वाले सेल का 2 ओम। इसको हम लोग जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 + 12 / 5। तो आइए देखते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट इट्स एग्जैक्ट आंसर दैट इज 8.4 वोल्ट, है ना। तो 8.4 वोल्ट जो है वही इसका करेक्ट आंसर है, वो इसको सॉल्व करने के बाद प्यारे बच्चों हमको मिलेगा, क्योंकि ये बन जाएगा 6 + 12 / 5 का मतलब होता है 2.4, तो ये बन जाएगा 8.4 वोल्ट। सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 equal parts। देखिए हर क्वेश्चन में आपके लिए एकदम अलग तरह का लाया हूं, बिल्कुल रिपीटिशन नहीं किया गया है क्वेश्चंस का, सारे क्वेश्चन का स्टाइल अलग है, सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट अलग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लगातार आप क्लासेस में बने रहे। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 equal parts एंड दे आर बंडल टूगेदर साइड बाई साइड टू फॉर्म अ थिकर वायर। इसका मतलब क्या है, एक वायर था हमारे पास, इस वायर के प्यारे बच्चों हमने क्या किए, 4 बराबर parts किए इस तरीके से। अगर 4 बराबर parts करोगे तो रेजिस्टेंस भी R/4 सबका हो जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, सिमिलरली लेंथ भी डिवाइड हो जाएगा और थिकर वायर बन जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द बंडल इज, हमसे कहा जा रहा है उस बंडल का रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर आपने इस तरीके के 4 wires को इस तरीके से रख दिया तो ये चारों किस कॉम्बिनेशन में है प्यारे बच्चों, पैरेलल में, और अगर पैरेलल में है तो 1/R′ = 1/R + 1/R + 1/R + 1/R + 1/R। इनफैक्ट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। लेकिन R1, R2, R3, R4 सबकी वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, R/4। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4/R, 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 है ना, ये R/4 का 4 ऊपर जाएगा ना, तो 4/R, 4/R, ऐसे आप इसको जब सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 16/R, है ना। तो यहां से देखिए नया जो रेजिस्टेंस R' हमको मिलेगा दैट विल बी R/16। सो करेक्ट आंसर हियर इज ए पार्ट। आइए देखते हैं, इसको मैंने सॉल्व करके आपके लिए पूरा लिख दिया है, यहां पर लगा दिया है ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पाए। यहां पर देखो एक जनरल फॉर्म में आपको बोल दिया गया, अगर आप किसी वायर को डिवाइड करके n इक्वल पार्ट्स करते हो तो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है R/n² है ना। इसको मैंने एक जनरलाइज्ड फॉर्म दे दिया, सो आंसर इज R/16। इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने जिसमें कहा जाए 5 parts हो रहे हैं तो R/25, 6 parts हो रहे हैं तो R/36, सिंपली प्यारे बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा यहां पर आ गया है मैचिंग का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं 8 वाले में क्या होगा प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए ये मैचिंग हमसे बोली जा रही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सुपर कंडक्टर के बारे में अल्फा नेगेटिव, जीरो रेजिस्टिविटी, आइदर नेगेटिव पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। अब सोचो भाई साहब, अगर सुपर कंडक्टर है, नाम से क्लियर है सुपर कंडक्टर है, मतलब कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया होगी, कंडक्टिविटी अगर बढ़िया होगी तो उसका रेजिस्टिविटी कितना होगा, 0 होगा। आइए नेक्स्ट, ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं प्यारे बच्चों
जिनके लिए अल्फा निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, या इधर पॉजिटिव निगेटिव हो, तो ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, और उनके लिए अल्फा हमेशा पॉजिटिव होता है। सेमी कंडक्टर्स के लिए अल्फा हमेशा निगेटिव होता है, जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कौन सा मैचिंग सही है। ए एफ, तो ए एफ केवल ये पहला ही देख करके समझ में आ गया था, बाकी आप ना भी मैच करें तो आपका काम चल जाता, केवल पहले वाले को अगर आप मैच करा देते एफ से तो आपका आंसर करेक्ट आ जाता प्यारे बच्चों। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बहुत बढ़िया, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन ब्रांच ऑफ द सर्किट, ये ए है ये बी है, इसके बीच का प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, किरचॉफ साहब ने दो लॉज दिए थे, उसमें से एक था केसीएल और दूसरा था केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब आप लगाते हो बस उसी का बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, क्वेश्चन में जितने भी सेल हो उन सब में प्लस माइनस बनाओ, तो जो बड़ा वो प्लस, जो छोटा वो माइनस। तो ये देखिए प्लस, ये देखिए माइनस, ठीक। सबसे पहला काम सेल के लिए प्लस माइनस बनाना। अब क्योंकि मैं ए से बी जाने वाला हूं तो ये पॉजिटिव निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव, सिमिलरली यहां पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये मैंने किसके लिए बनाया, ये मैंने रेजिस्टेंसेस के लिए बनाया, ठीक है। अब आइए चलिए लिखना शुरू करते हैं। ए पॉइंट का पोटेंशियल प्यारे बच्चों कितना है, VA, यहां पे हम लोग पहुंचे निगेटिव साइन पे, तो माइनस का करंट हमको पता है 2 एम्पियर, सो आई आर यानी कि 1 × 2। फिर हम लोग पहुंचे प्लस पर तो प्लस का 9, फिर हम लोग पहुंचे माइनस में तो बन जाएगा 2 × 2, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी 2 है, करंट भी 2 है, माइनस का 3 वोल्ट। फिर हम लोग पहुंच रहे हैं फिर से माइनस में, और इसका हो जाएगा 3, इसका रेजिस्टेंस है और 2 इसमें जाने वाला, ये देखिए करंट है, और बी का पोटेंशियल हमने ले लिया माइनस VB, ठीक। अगर हम लोग ए से बी जाते हैं प्यारे बच्चों तो इसको हाई पे मानते हैं और इसको लो पर मानते हैं, लो वोल्टेज पर, तो ये निगेटिव हो जाएगा। अल्टीमेटली आप सब लोग देख सकते हो VA माइनस VB की ये जो वैल्यू आने वाली है ये कितनी आने वाली है, 2, ये 9 उधर जाएगा माइनस का 9, ये 4 उधर जाएगा प्लस का 4, ये 3 उधर जाएगा प्लस का 3, और ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6। तो आप सब लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा 13 15 15 माइनस 9, दैट इज 6 वोल्ट। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, तो ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए पार्ट। आइए देखिए सॉल्यूशन भी देखते हैं, ये देखिए ए पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर बेस्ड है, सिर्फ वोल्टेज लॉ कैसे लगाते हैं बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले चेक कर लिया करो कि कहीं ऐसा तो नहीं ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो, जी हाँ चेक कर लेना बैलेंस्ड तो नहीं है, तो ये चेक करो दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, तो 5/15 यानी कि 1/3, और ये क्या है 10/30, अगेन 1/3, और ये दोनों आपस में बराबर हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये जो ब्रिज है ये ब्रिज कैसा है, ये बैलेंस्ड है, और अगर ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो ये बीच वाले रेजिस्टेंस को सीधे सीधे हटा दिया जाता है, इसका कोई काम नहीं है, है ना। इसको जैसे ही हटा दोगे प्यारे बच्चों, अब आप देखो ये ए पॉइंट है, देखिए सिंपल इस तरीके का सर्किट बन जाएगा, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 15 ओम, और ये हो गया आपका 30 ओम। हमसे बोला गया ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है प्यारे बच्चों, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, 5 और 10 का सीरीज कितना होता है 15, और ये 15 और 30 भी सीरीज में हो जाएगा, इसका हो जाएगा 45, तो ये 15 और ये 45 दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ये देखिए 15 और 45 का पैरेलल आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 11.25, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसको ये चीज नहीं पता होगी वो इसमें उलझा रह जाएगा और अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है हमारा वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत तगड़ा मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है, ये देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ईएमएफ, कंडक्टेंस, और फिर इधर हमको
कुछ यूनिट्स की बात दी गई है, कुछ यूनिट्स हमको गिवन है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं ये कौन से ऑप्शंस के साथ मैच करेगा। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट इनमें से क्या होता है, तो प्यारे बच्चों हम सबको पता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहां से रो जो होता है दैट इज आर ए बाई एल। तो ये देखो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा ओम, एरिया का हो जाएगा मीटर, स्क्वायर अपॉन लेंथ का हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, यानी कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया ओम मीटर। ये देखिए ओम मीटर। अब आया हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी का, वैसे तो मुझे आंसर दिख गया क्योंकि ए वाला मैच किया जी के साथ, तो प्यारे बच्चों ए वाला जी के साथ सिर्फ और सिर्फ किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो यहीं से आंसर दिख गया। लेकिन फिर भी हम लोग चेक करते हैं, कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए ये देखिए ओम का इनवर्स जब आप करते हैं तो बन जाता है एम एच ओ, क्योंकि ये ओम का जस्ट उल्टा है और मीटर का इन्वर्स तो देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा। ईएमएफ का यूनिट सबको पता है वोल्ट होता है, और कंडक्टेंस का यूनिट जो होता है वो सीमेन होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए करेक्ट आंसर हमारा हो गया ए टू डी, बी टू एच, सी टू ई, सी को ई से ज्वाइन करेंगे और डी को एफ से ज्वाइन करेंगे, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहे हैं अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 40 ओम, इज बेंट इनटू अ स्क्वायर, इसको एक स्क्वायर में बेंट कर दिया गया। भाई साहब बहुत बढ़िया बात है, अगर आप इसको स्क्वायर में बेंट करोगे तो जरा सोचो हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम, है ना, स्क्वायर की साइड्स बराबर होती है इसलिए रेजिस्टेंसेस भी तो बराबर होंगे। 40 ओम टोटल था तो बेटा 10 10 ओम के चार साइड्स ऐसे बन जाएंगे। रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट कॉर्नर इज 20 ओम, कह रहे हैं अपोजिट कॉर्नर, यानी कि अगर मैं इस कॉर्नर ए और इसके जस्ट अपोजिट किसी कॉर्नर बी की अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं कि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 20 ओम है। आइए चेक करते हैं, देखो ये 10 और ये 10 प्यारे बच्चों ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, 10 और 10 का सीरीज कितना आएगा 20, सिमिलरली ये 10 और ये 10 ये भी 20। अब देखो ये 20 और ये 20 ये दोनों किस में है, पैरेलल में, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, पैरेलल में है। 20 और 20 का पैरेलल जब प्यारे बच्चों सॉल्व करोगे तो जरा इमेजिन करो 1/20 प्लस 1/20 कितना आएगा 2/20, है ना, दैट इज इक्वल टू 1/R, और उसको उल्टा करो 20/2 यानी कि 10 ओम। लेकिन हमको तो गिवन है 20 ओम, इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है भाई साहब ये तो बढ़िया नहीं लग रहा मुझे। रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर्स इज 7.5 ओम, आइए चेक करते हैं। एडजेसेंट कॉर्नर का मतलब हो गया इसको मैं सी मान ले रहा हूं भाई, ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस। अरे बच्चों फिर से सोचो ये 10 ये 10 और ये 10 इस बार ये तीनों ध्यान से देखना, ये तीनों इस बार किस कॉम्बिनेशन में हो गए, ये तीनों इस बार हो गए सीरीज में 10 10 10 कितना हुआ 30, और ये वाला जो 10 है वो उस 30 के साथ किस में है पैरेलल में है, जहां करंट डिवाइड हो जाए बस तुरंत समझ जाओ पैरेलल है। तो प्यारे बच्चों इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 1/30 प्लस 1/10, इसको अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 300, तो रेजिस्टेंस की ये तो 1/R है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 300 अपॉन 40, ये कैंसिल करेंगे दिस विल बी 15/2 यानी कि 7.5, तो ये ऑप्शन तो भाई बढ़िया है सही है। रेजिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड इज 10 ओम, अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में बढ़िया मजा आना शुरू हुआ है। देखो यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है, इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमसे। इस बार जो दो पॉइंट्स बेटा गिवन है वो पॉइंट्स कौन से हैं, दे आर मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स, है ना, यानी कि पहला पॉइंट ये है और इसके अपोजिट साइड ये है, तो दूसरा पॉइंट ये है बेटा। इस बार ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ए और बी इन दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस है ये, जरा सोचना सब लोग बेटा, ये आधा है तो 5 ओम, ये पूरा है 10 ओम और ये फिर से 5 ओम, 5 10 और 5 किस कॉम्बिनेशन में है, चेक करो अगर यहां से करंट फ्लो कराओगे तो इन तीनों में तो सेम ही करंट जाएगा ना, इसका मतलब तीनों किस में सीरीज में,
तो 5 + 10 + 5 यानी कि कितना 20। सिमिलरली इधर वाला 20 और 20 दोनों किसमें है, पैरेलल में सॉल्व करोगे आएगा 10। इसका मतलब ये वाला भी हमें सही लग रहा है। रेजिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड इज 15। तो आइए ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, ऑप्शन में दो दो दिए हैं या तीन तीन ऑप्शंस दिए हैं। तो भाई देखो दो दो दिए हैं ना, जब बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो जरूरी नहीं है कि अब ये आखिरी ऑप्शन बचा है तो मैं इसको भी नहीं, मैं सर मुझे आता है तो मैं करूंगा ही करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है तो थोड़ा सा आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हो। आइए देखते हैं बी और सी किसमें करेक्ट है। बी और सी करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए करेक्ट आंसर भी हो गया ऑप्शन नंबर 3। डी वाले को मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। और वैसे अगर करना ही होता तो हम लोग कर सकते थे। मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब एक साइड अगर ये है तो दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों ये हो जाता, मतलब इसमें बी हम इसको बोल रहे हैं। अब आप सोचो ये 5 ये 10 ये 10 और ये 5, मतलब कितना हुआ 10 10 20 5 5 30, 30 हो गया ये 5 और ये 5 हो गया 10। 10 और 30 आपस में किसमें होते, पैरेलल में, और सॉल्व करते तो हम 7.5 आ जाता, 15 थोड़ी ना आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा सी पार्ट ही है जो कि हम वेरीफाई भी कर चुके हैं। अब आइए 13th क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है अ लेटर ए इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर विद रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। अच्छा, ए लेटर को बनाया गया है, रेजिस्टेंस है 1 ओम पर सेंटीमीटर। द साइड्स ऑफ द लेटर आर 20 सेंटीमीटर एंड क्रॉस पीस इन द मिडिल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एपेक्स एंगल इज 60 डिग्री, रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द लेग्स इज क्लोज टू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आइए पहले इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, वरना तो देख करके ही खतरनाक लग रहा होगा भाई साहब कुछ लोगों को। तो ये देखो ए, हाँ ए देखो, सिंपल ए बनाया है और कुछ नहीं किया बेटा, ठीक है। लेट अस सपोज ये हमारा पहला एंड है जिसका नाम है पी, और ये हमारा दूसरा एंड है जिसका नाम है क्यू। अब देखो हमसे क्या बोला गया, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम पर सेंटीमीटर, साइड ऑफ द लेटर आर 20 सेंटीमीटर एंड क्रॉस पीस जो है वो 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर का है, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम पर सेंटीमीटर है बेटा। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो बेटा 10 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 10 ओम। सिमिलरली आपको बोला गया ये जो दोनों साइड्स हैं, ये जो दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड कितने की हैं, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस पूरे का कितना हो गया 20 ओम, तो ये पूरे का हो गया 20 ओम। सिमिलरली ये पूरे का भी हो गया 20 ओम, इतने का 20 ओम, इसका भी हो गया हमारा 20 ओम। अब हमसे बोला गया P और Q के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखो भाई, अगर ये टोटल 20 है तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा। अब सोचो ये 10 और ये 10, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है बेटा, ये दोनों, ये 10 और ये 10, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। 10 और 10 का सीरीज कितना हो जाएगा 20, वो 20 इस वाले 10 के साथ किसमें है, पैरेलल में। तो 20 और 10 का पैरेलल बेटा जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 × 10 / 20 + 10। ये कौन सा फॉर्मूला है सर, 1/r = 1/r1 + 1/r2, एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, r1 r2 / r1 + r2। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 200 / 30, 0 0 कैंसिल हुआ, 20/3 आ गया बेटा, 20/3 आ गया इस पूरे का 20/3, है ना। उस 20/3 के साथ ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम किसमें है, जरा सोचो, सब लोग सोचो, ये 10 ओम इस पूरे का कितना वैल्यू है 20/3, और ये भी कितना है 10। तो जरा सोचो 10 + 20/3 + 10 सीरीज में, सिंपल। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, आप सब लोग देख सकते हैं ये आंसर कितना आने वाला है, 10 10 20 20 + 20/3 की जो वैल्यू है वो 6.6666 ऐसे आएगी, तो 6.67 आप लिख सकते हो, अल्टीमेटली 26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 26 पॉइंट समथिंग तो केवल और केवल सी पार्ट है, सो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन। कहा जा रहा है इफ एन ई टाउ एंड एम आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली,
Then resistance of the wire of the length L and cross sectional area A is given by ultimately आपको resistance की बात कर रहे हैं वो भी N E tau और M इन सब fundamental terms में कैसे निकालेंगे तो देखो प्यारे बच्चों हम सबको पता है कि जब ढेर सारे electrons इलेक्ट्रिक फील्ड के अफेक्ट में आकर के मूव करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है ड्रिफ्ट स्पीड का उसी ड्रिफ्ट स्पीड का जो डेरिवेशन आपने किया होगा जिसकी वैल्यू आई होगी ee by m into tau जहां पर e क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैपिटल e क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड tau क्या है मीन रिलैक्सेशन टाइम और m क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये ड्रिफ्ट स्पीड है एक आपने और रिलेशन पढ़ा है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी मतलब आपने क्या पढ़ा है आपने करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच का रिलेशन पढ़ा है अगर ये इक्वेशन वन है और ये वाला इक्वेशन टू है प्यारे बच्चों इसी ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू बस आप यहां पर रखो जैसे ही आप रखोगे I इज इक्वल टू एन ई ए और ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू आ जाएगी ई ई बाई एम इन टू टाउ तो आप लोग देखिए क्या बन जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम ये वैल्यू आ गई हमारे पास करंट की अच्छा भाई लेकिन ये तो कुछ है नहीं यहां पर हमको निकालना क्या है रेजिस्टेंस निकालना है आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम बहुत ध्यान से देखिए ये सारी चीजें अलग कर दिया सिर्फ क्या बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ यानी कि V by L तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बहुत ध्यान से सब लोग सोचो I is equal to N E square A tau by M L times V है ना ये क्या है ये सभी लोग अगर ध्यान से देखो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन है जो कि क्या होता है I is equal to V by R इसका मतलब ये जो कुछ भी लिखा है ये 1 by R है और अगर ये 1 बाई आर है तो आर कितना होगा इसका उल्टा इसका जस्ट उल्टा तो क्या बन जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ तो ये क्या बन जाएगा ये वाला एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल एज डेरिवेशन वैसे डेरिवेशन नहीं अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो आपको डायरेक्ट ही इसको टिक करना चाहिए इसमें बिल्कुल भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है है ना तो कुछ बेसिक फॉर्मूले जो है बेटा उसको दिमाग में रखिएगा है ना आइए नेक्स्ट मैचिंग में देखते हैं नेक्स्ट मैचिंग में क्या कहा गया बहुत ही बढ़िया बहुत ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये देखिए चार्जिंग सेल है डिस्चार्जिंग सेल है शॉर्ट सर्किटेड सेल है और सेल इन ओपन सर्किट है वी जीरो वी ई वी लेस देन ई वी ग्रेटर देन तो कहने का मतलब हमको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है अभी मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों अगर कोई सेल चार्ज हो रहा है तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर होता है ना अगर V इज इक्वल टू E प्लस आई आर है तो जरा सोचो V बड़ा है या E बड़ा है भाई ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब V बड़ा हुआ तो ये तो केवल H के साथ मैच हो रहा है तो ये देखिए मुझे तो ऐसे ही आंसर दिख गया करेक्ट आंसर कौन सा है डी पार्ट केवल पहला ही हमने मैच किया और पहले से ही हमको आंसर पता चल गया डी पार्ट ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है ना लेकिन फिर भी आइए देखते हैं डिस्चार्जिंग सेल की अगर हम बात करते हैं तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर बेटा इसमें माइनस है माइनस होने का मतलब घट जाएगा तो इसको हम मैच कर देंगे जी के साथ सेल शॉर्ट सर्किटेड का मतलब होता है कि अगर ये सेल है ये इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है ये ई है ये स्मॉल आर है अगर मैं इसको एक कंडक्टिंग वायर से लाकर के जोड़ दूं मतलब सेल के पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव टर्मिनल को मैं कंडक्टिंग वायर से निगेटिव वाले टर्मिनल से जोड़ दूं इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट ये क्या किया हमने ये हमने सेल का शॉर्ट सर्किट कर दिया शॉर्ट सर्किट के केस में प्यारे बच्चों क्या होगा शॉर्ट सर्किट के केस का मतलब ये हो गया ये प्लस है ये माइनस है अगर इस तरीके से आप मान रहे हो कि इसने ऐसे करंट दिया तो ये करंट ऐसे घूम करके वापस जाएगा तो ये प्लस ये माइनस अल्टीमेटली आप यहां से देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है नहीं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा प्यारे बच्चों वो जीरो हो जाएगा उसके जीरो होने का मतलब जो ईएमएफ है वो आई आर के बराबर हो जाएगा तो फिलहाल वी बराबर जीरो दिस इज द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को तो आपने जीरो ही कर दिया ना आपने कंडक्टिंग वायरस से जोड़ दिया मतलब ए और बी दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया सेम हो गया
इसका मतलब डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो गया। सेल को ओपन सर्किट करने का मतलब वी जो है वो ई के बराबर हो गया। मतलब ओपन सर्किट का मतलब सिंपल सेल है, इसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं किया गया। ओपन सर्किट होने का ये भी मतलब होता है करंट जीरो, और अगर करंट जीरो है तो आप सबको पता है वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। ये करंट ही जीरो अगर हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो, ये टर्म अगर जीरो तो वी बराबर ई। तो सिंपल आप लोग देख सकते हैं मैचिंग करेक्ट आंसर कौन सा है हमारे पास, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमसे कहा जा रहा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज, ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें बताना है। बहुत ध्यान से सोचिएगा, ये देखो 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, ऐसे क्वेश्चंस को बेटा इधर से नहीं करते, इसको पीछे से सॉल्व करना शुरू करो, मतलब सर्किट को छोटा करते चले जाओ, है ना। तो क्या करना है, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में, सब लोग सोचो भाई ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में, ये तीनों है सीरीज में, तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6, वो 6 इस वाले 3 के साथ, जरा सोचो ये 6 इन तीनों की जगह अब तो 1 आ जाएगा ना, 6 वो 6 इस वाले 3 के साथ किस में है बेटा, पैरेलल में। 6 और 3 का पैरेलल सॉल्व करो जरा, R1 R2 upon R1 plus R2, इसका मतलब 3 × 6 यानी 18 अपॉन 3 + 6 यानी कि 9, 18 अपॉन 9 यानी कि 2। तो इसको भी सॉल्व करके कितना आ गया यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आया 2, ये 2 ये 2 और ये 2 किस में है, फिर से सेम बात सर सीरीज में है, 2 + 2 + 2 6, वो 6 इस वाले 3 के साथ किस में है पैरेलल में। 6 और 3 का पैरेलल अभी आपने सॉल्व किया कितना आता है 2, वो 2 ये 2 और ये वाला 2, 2 ये 2 ये 2, ये तीनों किस में है सीरीज में, तो आंसर क्या हो गया 6। सो करेक्ट आंसर इज 6 पार्ट। देखिए ओरली सॉल्व होता है, बिल्कुल इसमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ओरली सॉल्व होगा इसको। आप जैसे ही आप इसको सिंपल करते चले जाओगे, फाइनली ये 2 और ये भी क्या बचेगा 2 ओम बचेगा, ये देखो ठीक। तो 2 2 2 क्या हो जाएगा 6, सो करेक्ट आंसर इज 6 ओम। नेक्स्ट उसी चीज को देखिए, मैंने यहाँ पे पूरे आपको सॉल्व करके बताया है, तो करेक्ट आंसर था हमारा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स पी क्यू एंड आर आर कनेक्टेड टू द बैटरी एज शोन इन द फिगर। देखो हमारे पास 3 बल्ब्स हैं, ये वाला पी क्यू और ये वाला आर, ये बैटरी है, बैटरी अभी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव। हमसे कहा जा रहा है क्यू एंड आर When the circuit is closed, जैसे ही आप इस सर्किट को क्लोज करोगे, क्लोज करने का मतलब प्यारे बच्चों अब क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा, अब देखिए Q and R will be brighter than P, कह रहे Q और R जो है वो ज्यादा brighter होगा P के comparison में। Q and R will be dimmer than P, all bulbs will be equally bright, Q and R will not shine at all। अच्छा भाई आइए सोचते हैं, जैसे ही आप इसको बंद करेंगे बेटा, यहां से अगर आई करंट निकल रहा है, वो आई करंट ऐसे होते हुए आएगा तो यहां पर करंट का डिवीजन होगा, यहां आई वन जाएगा, यहां आई टू जाएगा, और फाइनली फिर से यहां पे आई करंट वापस आएगा। इसका मतलब इन दोनों में क्यू और आर में पी के कंपैरिजन में जो करंट जाएगा वो कम जाएगा, क्योंकि यहां पर तो करंट का डिवीजन हो रहा है ना बेटा। अगर ये 10 एम्पियर है तो यहां पर 10 तो नहीं जा सकता, यहाँ पे 10 से थोड़ा कम ही जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें जाएगा तो कुछ इसमें जाएगा बचा हुआ, है ना। कहने का मतलब Q और R को कम करंट मिलेगा, और अगर कम करंट मिलेगा तो वो डिम हो जाएंगे, इसका मतलब Q एंड R विल बी डिमर देन P। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है हमारा, B पार्ट, यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है हमारा वही करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज्ड इन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा भाई वेरी गुड, किसी भी व्हीट स्टोन ब्रिज की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये देखो ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, तो उन चारों पर एक एक आप रेजिस्टेंस लगा देंगे, और हर एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं, है ना, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, तो इन दोनों में से किसी एक पर हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और दूसरे पर हम क्या लगाते हैं, एक सेल लगाते हैं। अब हमसे ये कहा जा रहा है इफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को अगर हम इंटरचेंज कर दें, मतलब इस डायगोनल और इस वाले डायगोनल को अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा, तो भाई क्या ये बैलेंस रह जाएगा या नहीं रहेगा, भाई बिल्कुल बैलेंस रहेगा। ये व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी है कि आप इसके जो डायगोनल्स हैं उन डायगोनल्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब आप यहां पर गैल्वेनोमीटर ला सकते हो, यहां पर ये देखिए आप यहां गैल्वेनोमीटर ला सकते हो और यहां पर आप उस सेल को ला सकते हो, बहुत ही सिंपली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, द ब्रिज विल बी स्टिल बैलेंस्ड, है ना।
सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, बी पार्ट हो गया करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री सेट्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच सेट हैविंग सिक्स सेल्स इन सीरीज। कहने का मतलब तीन सेट्स हैं सेल के जिनको हमने पैरेलल में जोड़ा है। अच्छा, हर एक सेट में छह छह सेल्स हैं। दिस अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इफ ईएमएफ ऑफ द ईच सेल इज 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम, देन करंट थ्रू द बल्ब इज। प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का, है ना। जो सेल्स होते हैं, सेल्स की हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम करंट ऑब्टेन हो सके, प्यारे बच्चों, है ना। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है इंटरनल के कंपैरिजन में, तो वहां पर सीरीज ग्रुपिंग होती है, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो एक्सटर्नल के कंपैरिजन में, तो वहां पर पैरेलल ग्रुपिंग होती है। अगर दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हो, तो वहां पर इस तरह की ग्रुपिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग बोलते हैं। आइए मैं इसी चीज को डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर हर एक सेट में ऐसे छह सेल्स हमें गिवन है, तो ये देखिए मैं छह सेल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए ऐसे छह सेल्स हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर ऐसे तीन सेट हैं, मतलब ऐसा ही एक यहां पर भी होगा बिल्कुल सेम, उसमें भी छह हो जाएगा। ये देखिए मैं पूरे सर्किट को बना दे रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको कभी भी इस पर डाउट ना हो। बिल्कुल सेम ऐसा ही छह, इसमें भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये देखिए। और इसके साथ, इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ कहा गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है ना। वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बल्ब जो है वो 3 ओम का है, तो ये है हमारा 3 ओम का, प्यारे बच्चों ये 3 ओम का हो गया। और हर एक सेल का जो वोल्टेज है, जो ईएमएफ है, वो 2 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम के बराबर है। अब हमसे कहा गया कि करंट कितना होगा। प्यारे बच्चों, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे बात किया जाए करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज के बारे में सोचते हैं। देखो ऐसे छह सेल्स हैं, एक सेल का कितना है वोल्टेज, 2 वोल्ट, तो 6 सेल का कितना होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि सबके सब सीरीज में है और सारे सपोर्टिंग सेल्स हैं, सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। देखो सारे ही सेल लेफ्ट साइड में करंट देंगे ना, सब लोग सोचो भाई इसका मतलब क्या हुआ, 12 वोल्ट तो इसका वोल्टेज हो गया। अब आइए देखते हैं, 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, वो भी पैरेलल में है, इसका मतलब पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, इसका मतलब 12 ही लिखेंगे हम यहां पे, डिवाइडेड बाय। अब रेजिस्टेंस पर आ जाओ, रेजिस्टेंस के बारे में सोचो, इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा 1 ओम, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, इसका मतलब 6 रेजिस्टेंसेस हैं 1 ओम के जिनको सीरीज में जोड़ा गया, तो कितना हो जाएगा 6, ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम इसमें है पैरेलल में, तो 1/6 + 1/6 + 1/6 यानी कि 3/6, उल्टा करो 6/3 मतलब कितना, 2 ओम, वो 2 ओम इस वाले 3 के साथ किस में, सब लोग सोचो जरा इस पूरे की जगह क्या बचा, इस पूरे की जगह रेजिस्टेंस कितना बचा, 2 ओम, वो 2 ओम इस वाले 3 के साथ किस में है, सीरीज में, तो कितना हो गया 5, है ना। ये देखो रहा रेजिस्टेंस, इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना सा आंसर, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे दिस विल बी 12/5, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दिस विल बी 2.4, तो 2.4 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब करंट की वैल्यू कितनी हमको मिलने वाली है, यहां पर करंट की वैल्यू हमको मिलने वाली है 2.4 एम्पियर। यहां पर देखो इसी क्वेश्चन को, इतना सर्किट ना बनाना पड़े इसलिए आपके पास ये देखो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, करंट की वैल्यू कितनी हो गई, MNE/MR+NR, जिसमें एम क्या है नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो, एन क्या है नंबर ऑफ रोज, है ना, सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट व्हेन रेजिस्टेंस इन द गैप्स आर इंटरचेंज्ड द बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को अगर हम चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो बैलेंस पॉइंट जो है वो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाता है, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इज। आइए देखते हैं, अगर हम लोग किसी भी मीटर ब्रिज की बात करें, तो मीटर ब्रिज का डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि इसमें एक वायर होगा ए बी,
इस पूरे वायर का लेंथ 100 सेंटीमीटर जनरली माना जाता है, और यहां से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके उसको हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। ये लेंथ होता है एल और ये वाला होता है 100 माइनस एल। हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज कर दें, इसको मान लेते हैं आर वन और इसको मान लेते हैं हम लोग आर टू। आइए देखते हैं क्या करेंगे यहां पर। सभी लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए, हम लोग अगर इसको लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा R1 अपॉन R2 की वैल्यू बन जाएगी L अपॉन 100 माइनस L। ये हमारी पहली इक्वेशन है। फिर हमसे बोला गया कि इफ द गैप्स आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज का मतलब यहां पर R2 रख दें यहां पर R1 रख दें, द बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड बाई 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां R2 आ गया बेटा तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L प्लस 10 अपॉन, ये बन जाएगा 100 माइनस एल प्लस 10, 10 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, वो हमारा सिंपल सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं L अपॉन 100 माइनस L दैट विल बी इक्वल टू, ये R1 अपॉन R2 है, ये R2 अपॉन R1, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको उल्टा करेंगे आप चेक करिए, दैट इज वॉट, दैट इज 100 माइनस L माइनस 10 डिवाइडेड बाई एल प्लस 10, तो ये आपका बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस 10 एल इज इक्वल टू, ये बन गया 90 माइनस एल और ये आपका बन जाएगा 100 माइनस एल। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, तो ये बन जाएगा 9000 माइनस 90 एल, ये बन जाएगा माइनस 100 एल प्लस एल स्क्वायर, और ये क्या है L स्क्वायर प्लस 10 L। तो देखिए L स्क्वायर से L स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये बन जाएगा 100 और 90, तो 190 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 200 L की वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी 9000। तो हमको अल्टीमेटली L की वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू कितनी मिलने वाली है 45 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको बैलेंस्ड पॉइंट यहां पर मिल गया 45, तो ये क्या बन जाएगा R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 45 अपॉन 100 माइनस 45 यानी कि 55, तो 45 अपॉन 55 यानी कि 45 अपॉन 55। इसको हम लोग देखेंगे, ये हमको रेजिस्टेंसेस का रेशियो मिलने वाला है। तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 9/11। 9/11 जैसा कोई नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आप R2/R1, अब देखो ऐसे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, अगर हम यहां पर हमसे सिंपल यही बोला गया ना रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, हमको ये नहीं बोला गया R1/R2 या R2/R1। तो प्यारे बच्चों अगर R2/R1 आप करोगे तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 9/11 तो आंसर नहीं है, लेकिन 11:9 तो है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर कौन सा हो गया, हमारा सी पार्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 6 ओम कॉइल इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप। अच्छा, यहां जो लेफ्ट वाला गैप है इसमें 6 ओम का कॉइल है, 3 ओम एंड 6 ओम कॉइल्स इन पैरेलल इज कनेक्टेड टू द राइट गैप। ये जो राइट वाला गैप है इसमें 2 रेजिस्टेंसेज हैं जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, ये 3 ओम और 6 ओम है, कनेक्टेड राइट, द बैलेंसिंग पॉइंट इज। तो प्यारे बच्चों ये देखो गैल्वेनोमीटर जोड़ोगे यहां कहीं पर मिलेगा, ये L है तो ये बन जाएगा आपका 100 माइनस L, आपको यही बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है। तो बैलेंसिंग पॉइंट हम लोग को कैसे मिलता है, देखो ये है 6 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों 3 और 6 का पैरेलल सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 × 6 यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 3 + 6 यानी कि 9 यानी कि 2, तो ये बन जाएगा 6/2 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो आइए देखते हैं कितना आ जाएगा, दिस विल बी 300 माइनस 3L इज इक्वल टू L, तो ये बन जाएगा 300 इज इक्वल टू 4L, तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाने वाली है 75। सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारे पास, डी पार्ट, दैट इज 75, तो करेक्ट हो गया प्यारे बच्चों डी पार्ट। देखिए ये हमारा करेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है, पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज पोटेंशियोमीटर जो होता है प्यारे बच्चों आइडियल इंस्ट्रूमेंट है। क्यों आइडियल है? क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ अननोन ईएमएफ, जो अननोन ईएमएफ है उससे हम बिल्कुल भी करंट हम लेते ही नहीं है। रीजन क्या है, अगर आप उसके सर्किट पर जाओगे, देखो ये तो हमारे पास नोन ईएमएफ होता है, इसका ईएमएफ हमको पता है, इसके साथ हम लोग कोई एक वायर कनेक्ट करते हैं, ये पूरे वायर में रेजिस्टेंस होता है, और यहां सर इसके किसी एक एंड से आप उस अननोन वाले सेल को कनेक्ट करते हो, जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना होता है, और इसको फिर हम यहां पर किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके एक नल पॉइंट यहां पर निकालते हैं। प्यारे बच्चों क्योंकि नल पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसलिए इसमें से हम बिल्कुल भी करंट नहीं निकालते हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये आइडियल इसी वजह से होता है क्योंकि ये जो सेकेंडरी है हमारे पास, ये जो अननोन ईएमएफ है, उससे हम बिल्कुल भी करंट नहीं लेते हैं। जबकि दूसरे में क्या कहा गया, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ अननोन ईएमएफ, इससे करंट लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इससे करंट लोगे तो गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन तो हो गई होगा, लेकिन हमको नल पॉइंट चाहिए होता है। नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब अगला क्या है, इट गिव्स डिफ्लेक्शन इवन एट नल पॉइंट। नल पॉइंट पर बेटा कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, नल पॉइंट का डेफिनेशन ही यही है कि जिस पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, दैट पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट। इट हैज वेरिएबल पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ऐसा भी नहीं होता है भाई, वेरिएबल होता तो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो गड़बड़ हो जाती है। अल्टीमेटली आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पोटेंशियोमीटर आइडियल इसीलिए है क्योंकि ए पार्ट उसका जो है वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मीटर ब्रिज 20 ओम इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप। अच्छी बात है, लेफ्ट गैप में हमने 20 ओम को कनेक्ट कर रखा है, एंड अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द राइट गैप, सो वेरी गुड, यहां पर आर कनेक्टेड है, इज बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों यहां पर हमको बैलेंसिंग लेंथ जो है, इस कंडीशन में जो बैलेंसिंग लेंथ है एल, वो एल लेंथ हमको गिवन है कितनी, 40 सेंटीमीटर। Without changing the resistance in the right gap, 10 ohm is kept in the left gap. कह रहे हैं इसको बिना चेंज किए हुए यहां पे हमने 10 ohm रख दिया, कह रहे हैं balancing length will become. अच्छा, इस condition में आइए पहले देखते हैं, इस condition का मतलब हुआ 20 by R is equal to L upon 100 minus L. और उस बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 40. तो अगर मैं वैल्यू रख दूं तो ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 40 यानी कि 60. तो ये देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये आएगा 5, ये बन जाएगा R की वैल्यू कितनी, 30 ओम। मतलब हमको ये रेजिस्टेंस मिल गया, और ये रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों कितना हो गया है, ये रेजिस्टेंस हो गया है 30 ओम। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि राइट वाले विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द राइट गैप, इसको चेंज मत करो, 10 ओम इज केप्ट इन द लेफ्ट गैप। यहां पर जो 20 रखा था उसकी जगह अब कितना रखा गया, 10 ओम। कह रहे हैं नया बैलेंसिंग लेंथ बता दो, बहुत ही आसान, 10 बाई 30 इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। देखो 10 बाई 30 इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ये 0 0 कैंसिल होगा, ये इधर जाएगा तो बन जाएगा 100 माइनस एल इज इक्वल टू 3 एल, ये एल उधर जाएगा बेटा क्या बनेगा, 4 एल, 100 इज इक्वल टू 4 एल, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर हियर इज 25 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं भाई इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर हमारा सॉल्व उधर के आ गया 25 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे बेटा, इसलिए बहुत सावधानी से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग रिवाइज करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया, स्टेटमेंट 1 है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है भाई, कंडक्टर की तो प्रॉपर्टी है ये, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो सब रैंडमली इधर उधर भागेंगे, इधर उधर भागेंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, और अगर कोलिजन बढ़ा तो ऐसे में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो बढ़नी तय है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो भाई, इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए देखते हैं, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, यही सी वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है ना।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट। सुपर कंडक्टिंग स्टेट में उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी? तो भाई सीधी सी बात है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट का मतलब क्या है उसको समझ लो बेटा। कुछ सब्सटेंस, ध्यान से समझिएगा, कुछ सब्सटेंसेस के अलॉयज और ऑक्साइड्स, है ना, कुछ सब्सटेंसेस के अलॉयज और ऑक्साइड्स के पास ये खास नेचर होता है कि पहले तो वो बिल्कुल कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अगर हम लोग ग्राफ को चेक करें, हम लोग ग्राफ बना रहे हैं यहां पर टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का। कंडक्टर का ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, यानी कि उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जब आप टेम्परेचर को घटाओगे तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो भी कम होती चली जाएगी। लेकिन सुपर कंडक्टर्स बड़े स्पेशल टाइप के कंडक्टर होते हैं, बात समझिएगा मेरी। कंडक्टर्स का नेचर बिल्कुल फॉलो हो रहा है कि टेम्परेचर को हमने घटाया तो रेजिस्टिविटी घट रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पर जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, अचानक से ये रेजिस्टिविटी तुरंत जीरो हो जाती है। रेजिस्टिविटी तुरंत जीरो होने का मतलब खुद सोचो कंडक्टिविटी कितनी होगी, दैट विल बिकम इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, सुपर कंडक्टर के लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी हुई जीरो, कंडक्टिविटी क्या हो गई भाई साहब, इनफाइनाइट। सो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा हुआ सेकंड पार्ट, दैट इज इनफाइनाइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा जा रहा है, देखिए सब लोग, स्टेटमेंट वन, व्हेन वायर इज स्ट्रेस्ड सो दैट थिकनेस इज हाफ, इट्स रेजिस्टेंस वुड बिकम 16 टाइम्स। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर हम किसी वायर को खींचे सो दैट थिकनेस इज हाफ, उसका जो थिकनेस है वो आधा हो जाए। जरा सोचो, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है। अगर रेजिस्टेंस जो है वो आधा हुआ, सॉरी, अगर थिकनेस जो है वो आधा हुआ, थिकनेस का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, उसको समझने की जरूरत है। थिकनेस का मतलब अगर एरिया को यहां रखोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। थिकनेस का आधा होने का मतलब रेडियस आधी हुई, रेडियस अगर आधा हुआ तो खुद सोचो, यहां पर आर बाई टू का होल स्क्वायर करोगे तो फोर वाला टर्म ऊपर जाएगा। तो आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस जो है वो कितने टाइम्स हो गया, फोर टाइम्स। लेकिन प्यारे बच्चों यहीं पर गलती हो जाएगी, बिल्कुल ये यहीं पर आपसे गलती हो जाएगी अगर आपने एक छोटी सी चीज को ध्यान नहीं दिया। वो छोटी सी चीज ये है बेटा, अगर ये कंडक्टर है, जरा सोचो ये कंडक्टर है, अगर आप इसको खींचोगे थिकनेस घटेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन लेंथ बढ़ेगा ना, लेंथ भी तो बढ़ेगा, तो आपको वो इफेक्ट भी यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, चार गुना तो हुआ उसके रेडियस की वजह से, जो रेडियस आधा हुआ उसकी वजह से फोर टाइम्स हुआ, लेकिन लेंथ में भी तो इफेक्ट आ गया, लेंथ भी तो चार गुना हो गया, तो इसका मतलब 4 × 4 = 16 times, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, अलजेब्रिक सम ऑफ द changes of potential across the elements of a circuit in a closed loop is equal to zero. बिल्कुल सही बात है, ये algebraic sum of the voltage across the loop is zero. यही तो हमारे किरचॉफ साहब का वोल्टेज लॉ है, KVL. तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट नंबर टू भी हमारा सही है। तो आइए देखते हैं करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी पार्ट, क्योंकि इसी में बोला गया स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 ये है, स्टेटमेंट वन, सभी लोग भाई ध्यान से देखेंगे, स्टेटमेंट नंबर वन क्या है, वीआई ग्राफ ऑफ द कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। ये देखो टेम्परेचर T1 है, T2 है, ये वीआई ग्राफ है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, दो टेम्परेचर्स पे हमको गिवन है। अच्छा, कहा जा रहा है हियर T1 इज ग्रेटर देन T2, कह रहे हैं कि T1 जो है वो बड़ा है T2 से। सेकेंड में बोला गया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आते हैं इस चीज को देखते हैं कि ये जो चीज लिखी हुई है क्या ये सही है या ये गलत है। तो आइए समझते हैं यहां पर क्या है कि टेम्परेचर T1 बड़ा है या T2। अब जरा सोचो, अगर कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के केस में हमको यहां पर चेक करना है उसका टेम्परेचर। तो बेटा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा,
सोच रहा सब लोग, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा डेवलप होगी, क्योंकि जो हीट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा हीट डेवलप होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, है ना। रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा बेटा, देखो आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, R is equal to V by I होता है। लेकिन ये जो ग्राफ है वो किसके किसके बीच का ग्राफ है, वो I और V के बीच का ग्राफ है। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो I is equal to V by R, करंट जो होगा वो V by R। इसका मतलब ये जो ग्राफ हमें गिवन है, सब लोग ध्यान से समझना, ये जो ग्राफ हमको गिवन है ये ग्राफ है करंट वर्सेस वोल्टेज, तो V by R। इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, 1 बाई आर के इक्वल है, क्योंकि y एक्सिस पे क्या है करंट है, x एक्सिस पर क्या है वोल्टेज है। इसका मतलब y इज इक्वल टू mx होता है ना, सबको पता है ना y इज इक्वल टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो स्ट्रेट लाइन तो है ही है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप है वो स्लोप ही बेटा 1 बाई आर है। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो जरा सोचो इन दोनों में से किसका स्लोप आपको ज्यादा लग रहा है भाई साहब। तो आप कहेंगे सर इसका स्लोप ज्यादा है। अगर इसका स्लोप ज्यादा है बेटा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम है, अगर इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसकी हीट भी कम है, इसका टेम्परेचर भी कम है। तो इसका मतलब टेम्परेचर किसका ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा हुआ T2 का। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहां पर करेक्ट हमारा आंसर क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ यहां पर, टू पार्ट, सेकंड ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सर्किट, इन द फॉलोइंग सर्किट स्टेटमेंट 1, 2, 2 हमें दिए हुए हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3R। कह रहे हैं ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो रेजिस्टेंस कितना है, 3R के बराबर है। अच्छा, स्टेटमेंट 2, द 3 रेजिस्टेंसेस जॉइंड आर इफेक्टिवली इन पैरेलल। कह रहे हैं कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल में हैं। तो बेटा अगर तीनों पैरेलल में हैं तो 3R तो नहीं हो सकता, तो या तो R बाई 3 होना चाहिए था, है ना, या तो तीनों सीरीज में होने चाहिए थे। अब बहुत ध्यान से देखो, तीनों सीरीज में तो नहीं है क्योंकि ये इस तरीके से आपने कनेक्ट कर रखा है, है ना। अगर बहुत सिंपल सा सेंस भी हम लोग लगाएं तो भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर अगर ये कंडक्टिंग वायर से ऐसे जोड़ा है सर तो सीरीज तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सीरीज होता तो फिर इन वायर्स की क्या जरूरत थी, इन वायर्स की कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब बेटा इतना बेसिक हमने सेंस लगाया, इतने से ही पता चल रहा है कि ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, जबकि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो हमारा रॉन्ग। लेकिन आइए फिर भी मैं आपको समझाता हूं इस तरह के क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों कैसे करते हैं। ऐसे में बेटा इक्वल पोटेंशियल रूल लगाया करो। अगर ये ए पॉइंट है, देखो ए पॉइंट से जुड़े हुए जितने भी एंड्स होंगे उनका पोटेंशियल वी ए हो जाएगा। तो देखो ये वी ए हो गया, ऐसे ही यहां पर देखो तो इन दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया, इसका भी वी ए और इसका भी पोटेंशियल वी ए। सिमिलरली ये बी है तो देखो इससे जुड़े हुए जितने भी रजिस्टर के एंड्स हैं उनका पोटेंशियल वी बी मान लो। ये देखो यहां से आया, इन दोनों का भी क्या हो जाएगा VB, तो ये देखो VB। अब आप लोग सब लोग ध्यान से देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। इसका मतलब तीनों के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो तीनों किस कॉम्बिनेशन में हुए, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा है, स्टेटमेंट 1 हमारा रॉन्ग है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। In the steady state, the charge on the capacitor of capacity 0.2 microfarad is। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। DC सर्किट में, देखो DC सर्किट मतलब जिसमें भी सेल या बैटरी जुड़ी हो बेटा, DC सर्किट में अगर कैपेसिटर दे दिया समझ लो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग हो जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाया करता था। अब ऑब्जेक्टिव हो गया है तो हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए। इस कॉन्सेप्ट को समझो बेटा, ये जो कैपेसिटर होता है ना फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद, यानी स्टेडी स्टेट आने के बाद कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल भी करंट को पास होने नहीं देता, कब, फुल्ली चार्ज होने के बाद। तो बेटा ये कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा ना तो इस बीच वाली ब्रांच में बिल्कुल भी करंट जाने नहीं देगा। तो ये बीच वाली ब्रांच को बिल्कुल हटा दो, इमेजिन करो
कि बीच वाली ब्रांच है ही नहीं, अगर ये ब्रांच होगी ही नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। हमसे क्या बोला गया, इन स्टेडी स्टेट चार्ज निकालना है, कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए। भाई साहब चार्ज का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, क्यू बराबर सीवी, सिंपल। कैपेसिटेंस तो हमको सी गिवन है, तो सी के ही टर्म्स में आंसर भी है। वोल्टेज अगर मिल जाए काम चल जाएगा। अब बेटा जरा सोचो, इस वाली ब्रांच में तो करंट जा ही नहीं रहा, तो इसका तो अपना कोई वोल्टेज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके पैरेलल है। सोचो ये जो ये बीच वाली ये जो ब्रांच है, ये ऊपर वाले ब्रांच के साथ किसमें है, पैरेलल में है। तो जो वोल्टेज इस कॉम्बिनेशन का होगा, और इस कॉम्बिनेशन की अगर मैं वैल्यू लिखूं, इस पूरे की जगह अगर मैं वैल्यू लिखूं, तो 2 × 3 यानी कि 6/5, 6/5 ओम का ये रेजिस्टेंस है बेटा। जो वोल्टेज 6/5 का होगा, वही सेम वोल्टेज किसका होगा, कैपेसिटर का। क्यों? क्योंकि ये वाली ब्रांच इस वाले ब्रांच के साथ किसमें है, पैरेलल में है, और बीच वाले ब्रांच में करंट जाएगा नहीं। अगर करंट जाएगा नहीं तो इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी पोटेंशियल का लॉस नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस तो टोटली कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, इसको तुम चाहो तो बिल्कुल हटा ही सकते हो क्वेश्चन से, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये देखो 6/5 हो गया, और जब यहां से करंट बेटा निकलेगा, बीच वाले में करंट जाना नहीं है, तो सारा का सारा करंट ऐसे आएगा, ये करंट ऐसे होते हुए वापस ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस चीज को सब लोग समझिएगा जरा। करंट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5 तो हो गया उसका वोल्टेज, सॉरी उसका रेजिस्टेंस, और उसके साथ ये 2.8 जो है ये हमारा किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ये वैल्यू हो गई हमारे करंट की, ये करंट की वैल्यू है बेटा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा, बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 6 + 2.8 × 5 यानी कि 14। तो ये हमारा बन जाएगा 30 / 20 यानी कि 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर का हमारे पास आ गया करंट। अब हमको करंट पता है, निकालना हमको इसका क्या है, वोल्टेज। इसका वोल्टेज कैसे मिलेगा, V is equal to IR अगर इसके लिए लगाओगे, इसका करंट कितना है बेटा 1.5, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 6/5, इसको हम कैंसिल करेंगे आएगा 0.3, ये आ जाएगा कितना 1.8, 6 × 0.3 यानी कि 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट है इसने का पोटेंशियल। अगर इसका पोटेंशियल 1.8 वोल्ट है तो बेटा इस कैपेसिटेंस का पोटेंशियल भी 1.8 है। तो आप बताओ, हमको बताना था चार्ज, चार्ज कितना हो जाएगा 1.8 V के बराबर, सॉरी 1.8 C के बराबर। जरा देखते हैं ऐसा कोई आंसर है क्या, ऐसा तो कोई आंसर यहां पर मैच नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं यहां पर क्या कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई, Q बराबर CV होना था हमारा इन द स्टेडी स्टेट। अच्छा सॉरी, यहां पर देखो ये 1.8 C मैंने लिखा है, और ये क्या गिवन है, कैपेसिटी हमको गिवन है भाई, कैपेसिटी हमको गिवन है 0.2 माइक्रोफेरेड। तो यहां पर हम लोग उसी कैपेसिटी को रख देंगे बेटा, तो 1.8 × 0.2 माइक्रोफेरेड। जैसे ही आप इसको रखोगे और अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 18 × 2 करेंगे 36 आएगा, और 36 टाइप का आंसर तो ये बी वाला ही ऑप्शन है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1.8 × 0.2 करोगे 0.36 आएगा, 0.36 माइक्रो, ये यहां पर लिखा हुआ है कूलम। मुझे लगा था ये सी कैपेसिटर वाला सी है, इसलिए मैंने कैपेसिटर सी की वैल्यू को ध्यान नहीं दिया, लेकिन भाई साहब बिल्कुल ध्यान दे करके सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना, इस तरह से बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है हमको, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा आ गया 3.6 माइक्रो कूलम। चलिए बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन बिलो एमीटर रीडिंग इज 0। इस एमीटर की रीडिंग जो है प्यारे बच्चों वो 0 है, इसका मतलब इधर वाली ब्रांच में बिल्कुल भी करंट जो है वो नहीं जाएगा। देन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज, इस वाले आर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बहुत ही ध्यान से सब लोग इसको अटेम्प्ट करिएगा। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट भी कर सकते हो आप लोग, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालनी। बेटा देखो यहां पर क्या होगा, जो भी करंट निकलेगा वो आई करंट होगा, और वो आई करंट ऐसे होते हुए जाएगा इसमें, है ना, इधर तो करंट जाना नहीं है। तो ये जब आएगा, जरा आप लोग चेक करिए, 12 − 500 I ऐसे होते हुए जाएगा माइनस का IR
इज इक्वल टू जीरो। ये हमने कौन सा लॉ लगाया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना, ये प्लस है ये माइनस है, जब करंट ऐसे आ रहा है तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ऐसे जा रहा है तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, हमने बस किरचॉफ का लूप लॉ लगा दिया लाइक दिस। जैसे ही हमने लगाया हम इधर पहुंचे 12, फिर इधर आए माइनस पे पहुंचे तो माइनस का IR यानी कि 500 I, फिर इधर पहुंचे माइनस का IR इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है। अच्छा, हमारे पास तो दो दो अननोन है, करंट भी अननोन है और हमारे पास रेजिस्टेंस R भी अननोन है, लेकिन हमको एक चीज और गिवन है, इधर वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अगर करंट फ्लो नहीं भी होगा तो भी ये 2 वोल्ट की बैटरी तो है, और ये 2 वोल्ट की जो बैटरी है वो इस वाले आर के साथ किस कॉम्बिनेशन में है, सब लोग सोचो सोचो भाई, ये वाला 2 वोल्ट इस आर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका मतलब जो वोल्टेज जो इसका है वही इसका होगा, इसका मतलब आई आर ये जो लिखा है इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, इसकी वैल्यू है 2 वोल्ट, है ना, ये वैल्यू 2 वोल्ट हो जाएगा, तो 12 माइनस 2 यानी कि 10, 10 इज इक्वल टू 500 I, इसका मतलब करंट जो फ्लो होने वाला है वो 1/50 एम्पियर है, करंट 1/50, लेकिन हमसे पूछा गया था रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आइए इसी एक्सप्रेशन में अगर आप सिंपल करंट की वैल्यू को पुट कर दे तो देखो क्या बनेगा, 12 माइनस 500 I डिवाइडेड बाई I दैट इज इक्वल टू R। अगर मैं इस आई आर को उधर ले जाऊंगा और फाइनली आई को नीचे भेजूंगा तो ये बन जाएगा, आर हमको निकालना था तो कितना बन गया, 12 माइनस 500 इंटू 1/50 डिवाइडेड बाई 1/50। तो जरा सोचो, ये कैंसिल जब होगा बेटा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10, 12 माइनस 10 यानी कि 2, और ये 50 ऊपर जाएगा, 50 इंटू 2 यानी कि 100, इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ, 100 ओम। प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं करेक्ट आंसर हमारा हो गया 100। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर के करवा दिए हैं। आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। भाई साहब, बिल्कुल उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, इस तरह के और भी ढेर सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए, मैं बिल्कुल आपके साथ बना रहूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।